नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग को दी मंजूरी, सैलरी में 23% तक इजाफा। जुलाई के पहले हफ्ते में मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव, पीएम के विदेश दौरे से पहले 4 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में दी जा सकती है जगह, मंत्रिमंडल में यूपी के एक मंत्री को जगह मिलना तय। संसद के मानसून सत्र की तारीख का ऐलान, 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा सत्र, सत्र में जीएसटी बिल पास कराने की जुगत में सरकार। नहीं थम रही स्वामी की बेलगाम बयानबाजी, पीएम मोदी पर ही स्वामी ने किया पलटवार, कहा मैं पब्लिसिटी के पीछे नहीं बल्कि पब्लिसिटी मेरे पीछे है। तमाम विवादों के बीच एक मंच पर नजर आया समाजवादी परिवार, राम गोपाल यादव के जन्मदिन पर शिवपाल और मुलायम साथ साथ, लेकिन केक के बहाने भी खत्म नहीं हुई कड़वाहट। रेप वाले बयान पर झुकने को तैयार नहीं सुल्तान, महिला आयोग को भेजे जवाब में नहीं मांगी माफी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन में 23.6% बढ़ोतरी की सिफारिश पर मुहर लगा दी है। बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से मिलेगा, यानी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर मिलेगा। वेतन भत्तों और पेंशन में कुल मिलाकर 23.55% की बढ़ोतरी होगी। इस आधार पर केंद्र सरकार में शुरुआती मूल वेतन 7,000 रुपए के बजाय 18,000 रुपए हो जाएगा। इसी तरह सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह 90,000 रुपए की बजाय 2,50,000 रुपए हो जाएगी। माना जा रहा है कि 70 साल में वेतन आयोग ने वेतन में सबसे कम बढ़ोतरी की सिफारिश की है। वेतन आयोग ने इस बार 14.27% मूल वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश की, जिसे कैबिनेट ने हूबहू मंजूर कर लिया है, जबकि छठे वेतन आयोग में 20% मूल वेतन की सिफारिश की गई थी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मंत्रिमंडल में जुलाई के पहले हफ्ते में फेरबदल हो सकता है। पीएम मोदी 6 जुलाई को विदेश दौरे पर रवाना होने वाले हैं। ऐसे में पहले ही कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट फेरबदल को मोदी की यात्रा से पहले ही अमलिया जामा पहनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस फेरबदल में 4 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इनमें कम से कम एक मंत्री का उत्तर प्रदेश से होना लगभग तय है। खबर है कि नई कैबिनेट में इलाहाबाद से सांसद श्यामाचरण गुप्ता को जगह मिल सकती है, जबकि जबलपुर से सांसद राकेश सिंह, बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी महासचिव ओम माथुर को भी मोदी सरकार की कोर टीम में शामिल किया जाएगा। वहीं इस पूरे फेरबदल में जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये कि बिहार के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह की कुर्सी पर गाज गिर सकती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति बनने की तैयारी में जुटी अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला से भी मंत्री पद छीना जा सकता है। तो कौन मोदी की टीम में इन होता है और कौन आउट, इसका फैसला जल्द ही सबके सामने होगा। रुक करते हैं अगली खबर पर। संसद के मानसून सत्र की तारीख का ऐलान हो गया है। सत्र 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय मामलों के मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसदीय मामलों पर हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया। इस बार के सत्र में सरकार के सामने कई ऐसे लंबित बिल हैं जिन्हें पास करवाना सरकार के लिए बेहद अहम है, और सबसे ज्यादा जरूरी बिल है जीएसटी, जिसे सरकार ने बजट सत्र के दौरान पास कराने की लाख कोशिशें की, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सरकार बेबस नजर आई। लेकिन इस बार सरकार ने कमर कस ली है। इस मुद्दे पर वेंकैया नायडू का कहना है कि सरकार को इस सत्र में जीएसटी विधेयक के पारित होने का भरोसा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या है, लेकिन मतदान अंतिम विकल्प होगा। और अब बात बीजेपी के बेलगाम सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की, जिनकी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। और इस बार स्वामी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया है। स्वामी ने ट्विटर पर लिखा कि वह पब्लिसिटी के पीछे नहीं बल्कि पब्लिसिटी उनके पीछे भागती है। उन्होंने लिखा कि नई समस्या, जब पब्लिसिटी को लगातार किसी राजनेता की जरूरत होती है, 30 ओबी वैन घर के बाहर है, चैनलों और मीडिया हाउस से 200 से अधिक मिस कॉल। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने स्वामी के मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि किसी को भी पार्टी लाइन नहीं तोड़नी चाहिए। अगर कोई पब्लिसिटी के लिए बयान दे रहा है तो ये गलत है। कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता। यही नहीं, आरबीआई चीफ का पक्ष लेते हुए पीएम मोदी ने रघुराम राजन को देशभक्त भी बताया था। और बात करते हैं यूपी की सियासत की। आज लखनऊ में सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव के जन्मदिन के मौके पर उनकी किताब का विमोचन किया गया।
इस अवसर पर तमाम विवादों के बावजूद मुलायम सिंह यादव का परिवार एक साथ एक मंच पर नजर आया। कार्यक्रम के शुरू होने से पहले शिवपाल यादव के इस कार्यक्रम में नहीं आने की चर्चा थी, लेकिन अमर सिंह ने बात को संभाला और शिवपाल को मना लिया। अमर सिंह अपनी कार में शिवपाल को लेकर कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन मनमुटाव यहां भी दिखा और शिवपाल पीछे की ओर लगी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए, लेकिन बाद में उन्हें आगे की पंक्तियों पर बिठाया गया और संदेश देने की कोशिश की गई कि कुनबे में सब सही चल रहा है। बाद में अमर सिंह ने कहा कि शिवपाल पार्टी की रीढ़ हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों सपा परिवार में मतभेद की तमाम खबरों को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी। पूरा विवाद मुख्तार की पार्टी के विलय को लेकर था, जहां शिवपाल ने मुख्तार अंसारी की पार्टी का सपा में विलय का पुरजोर समर्थन किया था। वहीं अखिलेश इसके खिलाफ थे और अखिलेश की जिद की वजह से ही बाद में विलय को रद्द कर दिया गया था, जिससे चाचा भतीजे के बीच टकराव की खबरें आ रही थी। यहां तक कि शिवपाल कैबिनेट विस्तार के कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे थे। और अब बात सलमान खान की। रेप वाले विवादित बयान पर सलमान खान झुकने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ललिता कुमार मंगलम ने बताया है कि सलमान खान ने NCW को भेजे जवाब में माफी नहीं मांगी है। सलमान खान ने महिला आयोग को जवाब भेजा है, जिसमें NCW की कानूनी टीम जवाब देखेगी। आपको बता दें कि सलमान ने बयान दिया था कि उनकी आने वाली फिल्म सुल्तान के एक सीन की शूटिंग इतनी थकाने वाली थी कि उसके बाद उन्हें रेप के शिकार महिला जैसा महसूस होता था। सलमान के इस बयान के बाद काफी विवाद हुआ था। सलमान से बयान के लिए माफी की मांग की जा रही है। इसके बाद सलमान के वकील ने आज महाराष्ट्र महिला आयोग के सामने सलमान का पक्ष रखा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GB लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।